अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान अब्दुल मन्नान अजवा मन्नाल यस सर। अलीजा बशारत प्रेजेंट सर। हमायम अबू जर हमायम अबू जर अंसा याकूब अंसा याकूब अंजा जावेद प्रेजेंट सर। अक्सा अरशद बरीरा असलम प्रेजेंट सर। दुआ कंबर फिजा बीबी हादिया प्रेजेंट सर। जैनब प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद यस सर। खदीजा हफीज प्रेजेंट सर। किंजा फकीर यस सर। कनीज फातिमा कनीज फातिमा मरियम महमूद मारवा आबिद प्रेजेंट सर। मरियम बीबी प्रेजेंट सर। मिनाइल फातिमा प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक मोहसिन फारूक मोहम्मद अफजल मोहम्मद अफजल मोहम्मद हसनैन अयाज प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान मोहम्मद हाशिर मोहम्मद हाशिर मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब ओके उस्मान मुजयन यस सर। नदीम हसन प्रेजेंट सर। निमरा खलील प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक निमरा सिद्दीक प्रेजेंट सर। ये सुमेरा का नाम आ रहा है सर। ये नहीं उसका ना मोबाइल खराब था, उसने कल मेरे मोबाइल से क्लास ली थी, नाम चेंज करना मैं भूल गई। नूर प्रेजेंट। सुसामा प्रेजेंट सर। सर मैं निम्रा की क्लास ले रही हूँ, कल मेरी फ्रेंड ने मेरे मोबाइल से क्लास ली थी। सॉरी ये ना ठीक है, निम्रा अटेंडेंस लगा दी है। उसामा प्रेजेंट सर। रमला मजर प्रेजेंट सर। रिदा जैनब प्रेजेंट सर। रोमैसा प्रेजेंट सर। ये
सर मोहसिन का ऑफिस में हेडफोन रखा हुआ है, वो चाहिए। सबा करम प्रेजेंट सर। समीउल्ला ओके समीउल्ला। सना असगर, सना असगर प्रेजेंट सर। सुहा शहजाद प्रेजेंट। सैयद ऑन रजा तस्कीर प्रेजेंट सर। जैनब प्रेजेंट सर। ये वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर वो प्रेजेंट हैं तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर प्रेजेंट। एक मिनट अब्दुल मनान, मैं अभी आपका नाम बोलने वाला हूँ। ठीक है अब्दुल मनान आपकी हो गई है। इसके बाद है अमाइम अबुजर, अक्सा प्रेजेंट सर। अंसा याकूब, अंसा याकूब प्रेजेंट। अंसा आपका भी नाम है, हीरा याकूब आ रहा है। सर नहीं, मेरा अपना मोबाइल है। तो आपके मोबाइल पे जो आपका नाम शो हो रहा है वो हीरा याकूब शो हो रहा है सर। वो सेटिंग नहीं नहीं सेटिंग चेंज की हुई है तो इसलिए। अंसा वाकई आप ही हो? जी सर मैं ही हूँ, क्या हो गया? नाम सर, चेंज हो गया है? नहीं वो कल उसने मेरे मोबाइल पे ली थी ना क्लासरूम पे, तो सेटिंग चेंज कर दी होगी। कनीज फातिमा प्रेजेंट सर। मोहसिन फारूक, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, सैयद ऑन रजा। जी मैं आप लोगों को क्विज मेल कर रहा हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करके क्विज को LMS पर अपलोड करना है, और कहाँ पर अपलोड करना है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आप लोगों ने सेशन 15 असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज, यहाँ पर आप लोगों ने अपना क्विज जो है वो अपलोड करना है। सर 15 में तो नहीं आ रहा, 14 में आ रहा है सर। ये 15 में शो होगा, अभी मैंने लिखा नहीं है, जिस वक्त मैं लिखता हूँ तो फिर आपको शो हो जाएगा। अभी पहले मैं आप लोगों को ये जो क्विज है वो मेल कर दूँ। और इस क्विज का आप लोगों को 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है।
जी क्विज मैंने सभी को मेल कर दिया है। और आप लोगों ने इस क्विज को सॉल्व करके सेशन नंबर 15 जिसमें असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज 3 आप इसमें आप लोगों ने अपलोड करना है। सर 8:50 तक टाइम होगा। 8:48 तक टाइम होगा। और सभी ने सॉल्व करके इसको LMS पर ही अपलोड करना। ये आप लोगों को शो हो रहा है सेशन नंबर 15 में असाइनमेंट इज इक्वल टू क्विज नंबर 3 यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है इस क्विज को सॉल्व कर। ये क्विज नंबर 4 है आप लोगों। और किसी स्टूडेंट का क्विज मेल के जरिए चेक नहीं होगा, हर स्टूडेंट ने क्विज को LMS पर ही अपलोड करना है और LMS के जरिए ही आप लोगों का क्विज जो है वो चेक होगा।
सर क्विज का टाइम कब तक है? एक्सक्यूज मी सर, सर क्विज का टाइम कब तक है? आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
Assalamu alaikum, sir. For the examples, do we have to write reactions for question number two? और माइम आपने क्या पूछा था? For question number two, when we have to write examples, माइम आपकी आवाज नहीं आ रही. Can you hear me now? Hello, sir. सर माइम पूछ रही है कि जो क्वेश्चन नंबर टू है उसके लिए हमने एग्जांपल में रिएक्शंस लिखे हैं. एक मिनट ज़ैनब, आपकी भी मुझे आवाज नहीं आ रही है. ये आपके पास सिर्फ 9 मिनट है. 9 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने साल करके LMS पर अपलोड करना है. सर जी साहब, सर जो क्वेश्चन टू है उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें इक्वेशंस तो नहीं है, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है. इक्वेशन भी लिखनी है, साथ में उसको एक्सप्लेन भी करना है. और एक्सप्लेन ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, जस्ट आप लोगों ने जिस तरह पैरामीटर के जरिए इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसके रीजन है, बस एक दो लाइन में वो आप लोगों ने बताना.
आप लोगों ने इक्वेशन के साथ जल्द स्लाइटली उसको एक्सप्लेन भी करना है कि पता चल जाएगी किस साइड पर रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो रहा है और वो क्यों शिफ्ट हो रहा है, बस ये इतना बताना है आप लोगों ने। तो वह सिंपली आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उस कंडीशन में पता नहीं चलता। लास्ट 5 मिनट्स लास्ट 3 मिनट्स
आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट है। किसी स्टूडेंट का क्विज मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगा, ये याद रखना है। और जिस वक्त टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी एलएमएस पर किसी स्टूडेंट का कोई क्विज अपलोड नहीं होगा। लास्ट 1 मिनट। आपके पास 10 सेकंड है जस्ट। आप लोगों ने टाइम पहले ही ज्यादा दिया है कि जिस टाइम के दौरान आप लोग इसको सॉल्व करके अपलोड कर सकते हो, आधे घंटे का टाइम कम नहीं होता। मैक्सिमम इसका रिटर्न वर्क जो है वो 15 मिनट का है, और 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा इसी वजह से दिए कि आप लोग इसको आसानी से अपलोड कर सको। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है कि रिएक्टेंट की नेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है। कि नेचर जो है रिएक्टेंट स्पीशी की, उसकी बेस पर रिएक्शन जो है वो स्पीड भी हो सकता, स्पीड अप भी हो सकता है, स्पीड के साथ भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो फिजिकल अपीयरेंस है। वो वाले रिएक्टेंट स्पीशी जो गैस फेज में होते हैं वो सॉलिड की निस्बत ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि वो वाले मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट स्पीशी जो गैस फेज में मौजूद होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और जितनी रिएक्टेंट स्पीशी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही वो ज्यादा कोलियन शो करेंगे। तो जितनी वो कोलियन ज्यादा शो करेंगे इसका मतलब है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस उनके उतने ही ज्यादा होंगे।
इसका मतलब है कि वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन शो करेंगे। इसके साथ वो वाले मॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल के निस्बत ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल के निस्बत ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। इसके साथ अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में सॉलिड है या क्रिस्टल की फॉर्म में है तो जो पाउडर फॉर्म में सॉलिड होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन शो करेगा, ये जो क्रिस्टल या ब्लॉक्स की फॉर्म में जो प्रोडक्ट मौजूद होगा उससे। इसके साथ जो आयंस हैं वो मॉलिक्यूल की निस्बत ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों ने मॉलिक्यूल का रिएक्शन करना है तो उस कंडीशन में पहले आप लोगों ने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना है, उसके बाद रिएक्शन होगा। लेकिन आयंस जो हैं वो ऑलरेडी आयंस में मौजूद होते हैं, उन्होंने डायरेक्ट ही बॉन्ड बनाना होता है। इसके साथ रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है इस पर बस इस पॉइंट पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट स्पीशी कम स्टेबल है, रिएक्टेंट स्पीशी की एनर्जी ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन शो करेगा, और अगर रिएक्टेंट स्पीशी ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम है, उस वजह से वो कम रिएक्टिविटी शो करेगा। इसके बाद सेकेंड पैरामीटर है टेम्परेचर। जब भी आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि उनकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो भी इंक्रीज होंगे, और जिस वक्त नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी इसका मतलब है कि रिएक्शन का रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में स्पीड के साथ कन्वर्ट होंगे। इसके बाद थर्ड पैरामीटर है कैटालिस्ट। इसके बाद थर्ड पैरामीटर है कैटालिस्ट। अजवा मनाल, अजवा कैटालिस्ट क्या होता है? अजवा मनाल, अलीजा बशारत। जी सर। सर कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है लेकिन जो लास्ट पे ना अपने वैसे का वैसे रहता है, लेकिन इसका काम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, वो स्पीशीज जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप करती है उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं, और अगर रिएक्टेंट स्पीशी और कैटालिस्ट का फेज सेम होगा तो उसको हम होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं, और वो प्रोसेस जिसमें कैटालिस्ट और रिएक्टेंट स्पीशी का फेज डिफरेंट होगा उसको हम हेटरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और कुछ ऐसे कैटालिस्ट भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, उनको हम नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोगों का विद इन टाइम क्विज अपलोड होगा, अदरवाइज क्विज आप लोगों को अपलोड नहीं होगा, ना ही आप लोगों को क्विज जो है वो मेल के जरिए एक्सेप्ट किया जाएगा। सर सिर्फ 20 सेकंड लेट हुए थे लेकिन वहां पे सबमिशन का ऑप्शन की ऑप्शन नहीं थे आगे, तो हम कैसे डिस्ट्रक्शन करते हैं, इतना तो टाइम देना चाहिए आपको। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 15 मिनट सिर्फ सबमिट के दिए हैं सर, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन थे।
सिर्फ डेफिनेशन थी जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जो था वो जस्ट लॉन्ग था, ये कह लो मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट का था, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन नंबर टू में। और क्वेश्चन नंबर वन जो था उसमें जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन दोनों की अलग अलग लिख देनी थी, बस इसके ज्यादा और कुछ नहीं था। मैक्सिमम रिटर्न वर्क इसका 15 मिनट का, और 15 मिनट आप लोगों को वो दिए हैं जिसमें आप लोगों ने उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना था। अब 15 मिनट में भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिल सकता। सर मेल तो कर दी है आपको, मैंने कहा कि मेल के जरिए किसी का कोई क्विज एक्सेप्ट नहीं होगा। आप मेल करें या ना करें उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी मरियम सर, वो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और एक 6 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में से उसकी डेफिनेशन तुमने मेंशन करी, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी तो करना था डिफरेंस करके उसका। केमिकल इक्वेशन के जरिए ही एक्सप्लेनेशन उसकी हो जाती है सर, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो 6 मार्क्स का था और उसको उसको भी तो एक्सप्लेन करना ही था, वो शॉर्ट में तो नहीं आता। मैंने एक्सप्लेन का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि सिर्फ एक दो लाइन में आपने ये बता देना है कि ये साइड पर शिफ्ट हो रहा है, ये इस साइड पर शिफ्ट हो रहा है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। चले 15 से 20 मिनट में चलो पेपर जो है कंप्लीट हो गया, फिर भी आप लोगों के पास 10 मिनट थे इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड करने के लिए। 10 मिनट थोड़े नहीं होते। जी दो आपका भी जमा नहीं हुआ है सर, आपने जब हो गया मगर सर जब आपने बोला था ना कि 10 सेकंड रह गए हैं तब भी मैंने सेफ चेंज कर ली थी, लेकिन सेफ चेंज पे क्लिक ही नहीं हो रहा था वो। बट सर दीस पीपल आर राइट, क्योंकि मैं भी बहुत देर से लग रही थी, मेरा भी आखिरी मोमेंट पे जाके हुआ है, तो इट वाज टेकिंग टाइम टू अपलोड। I don't know the reason, क्या था पोर्टल का मसला था, मगर आप टाइम 2 मिनट बढ़ा दें जैसे कह रहे हैं। Excuse me sir. चलें ये स्लाइड कंप्लीट कर लें। चलें ठीक है। Excuse me sir. जी जी। सर मेरी जूम की मीटिंग भी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी और मेरा अपलोड नहीं हो रही थी फाइल नेट इशू की वजह से, कल से यहाँ पे लाइट भी नहीं है, उसे मैंने आपको मेल कर दिया हुआ क्विज। मेल किसी का एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर क्विज जो है वो अपलोड करो। अभी जो है वो आप लोगों को मैं ये 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, 3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्विज को अपलोड करो, इसके बाद क्विज अपलोड नहीं होगा। और किसी का भी मेल के जरिए क्विज एक्सेप्ट नहीं होगा ये याद रखना। सर ऐड सबमिशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब अपलोड करें। एवरीबॉडी शुड रिफ्रेश एंड अपलोड इट नाउ। अब दोबारा से उसको चेक करो, आपके पास टाइम है। अब ये ना कहना कि टाइम और इंक्रीज करें।
स्टूडेंट का इशू हो रहा है, उसका अपलोड नहीं हो रहा। और ये जो कंबाइन का कौन बैठे हुए हैं, 34 स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो गया। और 10 सेकंड है सिर्फ। चले अब टाइम खत्म हो गया। एक चुप सर, सर मेरा LMS नेट की वजह से नहीं चल रहा। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, LMS नेट की वजह से नहीं चल रहा। फाइल अपलोडिंग हो रही है पर अपलोड कंप्लीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक मिनट दे दें। यस सर प्लीज, किसी की अपलोड भी नहीं होगी। सर प्लीज एक मिनट दे, कोशिश की है 3 दफा लेकिन क्लिक नहीं हो रहा। चले एक मिनट का मतलब एक मिनट ही है। सर दे दें टाइम प्लीज। वो आप मेल पे कर दो ना, किसी की मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगी। यह याद रखना किसी का कोई मेल के जरिए एक्सेप्ट नहीं होगा। जल्दी से अपलोड करें, इससे मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा। मैंने लेक्चर आप लोगों को कोर्स आज कंप्लीट करना है। सेव चेंज पे क्लिक कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जल्दी करें, सर नो फाइल अटैच की ऑप्शन आ रही है। टाइम खत्म हो गया होगा सर, तो ऑप्शन यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा वो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कि कंसंट्रेशन की वजह से किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है या ज्यादा होता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। सर मैंने एक मिनट से पहले जब आपने टाइम दिया मैंने तब भी कर दिया था, वो एरर दे रहा है। आप लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज्यादा होंगी और उस कंडीशन में भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी का कम होगा तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों को आता है रेट लॉ। रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसके नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर में आते हैं। जो रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन है उसकी पावर में रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। सपोज ये आप लोगों के सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो ए और बी है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। जिस वक्त आप लोग इसका रेट ला के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो ए है और इसके साथ बी है।
इसके साथ आप लोगों ने इस रिएक्टेंट स्पीशी के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको आप लोगों ने पावर में लिखना है। जिस तरह ए के नंबर ऑफ मोल्स माल ए हैं तो इसका मतलब है इसकी पावर ए होगी, और बी के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो स्मॉल बी हैं तो इसका मतलब है इसके पावर जो है वो स्मॉल बी हो। अगर किसी के नंबर ऑफ मोल्स वन होंगे तो उसको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर वन होती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स टू थ्री या इससे ज्यादा होते हैं तो उसको हम पावर में लिखते हैं। इसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो आप लोगों के पास पावर है इसका सम कहलाती है। अगर आप लोग इसके सम जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के पावर में लिखे हुए हैं इनको अगर आप लोग सम लेते हो तो वो आप लोगों को पास ऑर्डर कहलाता है। जी हीरा जी हीरा जी मरियम तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा ए प्लस बी के। अगर ये इसका आंसर वन के इक्वल आता है, दोनों का सम वन के इक्वल आता है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होगा, और अगर इन दोनों का सम जो है वो टू के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर टू होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर इसका सम थ्री आता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर है, और वो वाले रिएक्शन जिनमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कहेंगे कि वो कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो उस कंडीशन में हम रिएक्टेंट स्पीशी की पावर में जीरो लिखते हैं, और उस कंडीशन में उनकी पावर जो है वो इक्वल होती है जीरो के, इसीलिए हम उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर अपीयर होते हैं लेकिन हकीकत में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ऐसे रिएक्शन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से सेकेंड ऑर्डर में या थर्ड ऑर्डर में शो होते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका ऑर्डर उससे कम होता है, ऐसे रिएक्शन को हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब जिस तरह अगर आप लोग इसका रिएक्शन करवाते हो सपोज इसका आप लोग रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसके ये जो कोएफिशिएंट है नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के भी वन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक और इसका भी वन है तो उस कंडीशन में जिस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर भी वन आएगा और यहाँ पर भी वन आता है। तो एक्चुअल में इन दोनों का सम टू के इक्वल होना चाहिए लेकिन हकीकत में इस ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जस्ट इस रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस रिएक्शन की
कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों के पास जब भी रिएक्शन होता है वो एक स्टेप में नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है। जैसे ये आपके पास रिएक्टेंट स्पीशी है, ये सबसे पहले कैटाइन में कन्वर्ट होती है, यानी कि जिस वक्त ये रिएक्शन होगा तो इसका पहला स्टेप जो है वो ये होगा कि आप लोगों के पास सबसे पहले कैटाइन बनेगा। इसके बाद इसके रिएक्शन वाटर के साथ होगा और फिर आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब पहला स्टेप जो है वो स्लो है, और ये किस तरह पता चलता है, ये जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद, तो उसके बेस पर हमें पता चलता है कि ये स्टेप जो है वो स्लो है और ये स्टेप जो है आप लोगों का फास्ट है। फास्ट का मतलब है कि इसमें से इसमें कन्वर्ट होना स्लो होता है, स्टेप मुश्किल होता है, लेकिन जिस वक्त ये कैटाइन बनता है, इस कैटाइन का वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट होना वो बड़ी स्पीड के साथ होता है। और हर रिएक्शन का रेट जो है उस स्टेप पर डिपेंड करता है जो स्लोएस्ट होता है। फास्ट स्टेप को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जी दुआ सर, दिस मींस दैट द थ्योरी इज फ्लॉड, क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी होगा, सो वी विल नेवर एवर बी श्योर, राइट? होगा, सो दैट मींस वी डोंट नो व्हाट इज रियली हैपनिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। नहीं, ये इसका पता हमें उस वक्त चलता है जिस वक्त हम परफॉर्म करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जस्ट हमें सिग्नल मिलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन हम परफॉर्म भी करते हैं, हमारे पास डेटा भी हासिल होता है, जिसके जरिए जिस तरह लास्ट में हमने ग्राफ ड्रा किया था उनको हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। जिस तरह ये हमारे पास डेटा हासिल हुआ था और उसके जरिए हमने ये ग्राफ ड्रा किए थे, ग्राफ ड्रा करने के बाद यहाँ से हमने के अपरेंट की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल थी, तो उसकी मदद से हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट जो है वो आसानी के साथ हो रहा है या मुश्किल के साथ हो रहा है, तो हमें उसकी इंडिकेशन होती है, तो उसकी बेस पर ही जी द स्टीपनेस ऑफ द लाइन, राइट, द स्लोप। तो उसके बेस पर आप लोग बताते हो कि जो रिएक्शन स्टेप जो है वो स्लो है या फास्ट है, और मोस्टली ये स्टडी जो है वो हम कंपोटेशनल के जरिए करते हैं, जिसमें हमारे पास एनर्जी लेवल के ग्राफ ड्रा होते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास ये ग्राफ है, क्योंकि इसमें ये एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल है दो, हम इन एनर्जी लेवल्स को कंपोटेशनल की मदद से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि किसके जरिए रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या कौन सा स्टेप जो है वो स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा, और एनर्जी लेवल की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और किस स्टेप में रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जी अलीजा, और सर उसके लिए तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे हम देख के नहीं बता सकते। सॉरी सर, उसके लिए हमें कैलकुलेशन वो मैकेनिज्म करना पड़ेगा, हम देख के तो रिएक्शन की तरफ नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेप स्लो होगा या नहीं। हमने ये स्टडी किया था ना कि मैकेनिज्म हमें केमिकल काइनेटिक्स मैकेनिज्म के बारे में भी बताती है, तो उसके लिहाज से हमने जाहिर है मैकेनिज्म भी इसके साथ करना पड़ता है, तभी उनके एनर्जी के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं। जी सर, लेकिन फिर भी अगर हम मैकेनिज्म कर लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा फास्ट है? स्टेबिलिटी को आप लोग देखते हो, फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है मैकेनिज्म के जरिए
उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है वो स्लो स्टेप होगा, और अगर वो ज्यादा स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है, पहले वाला कम स्टेबल है, तो इसका मतलब वो जब फास्ट कन्वर्ट होगा, तो उस लिहाज से हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की कोलिजन थ्योरी, और ये आप लोगों ने बुक से भी पढ़ना है, क्योंकि स्लाइड में कम पॉइंट दिए हुए हैं और कंप्लीट डिटेल जो है वो बुक में दी हुई है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी बुक में दी हुई है। ठीक है, इसके बाद कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जब भी रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कोलिजन करते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड ब्रेक हो सके और न्यू बॉन्ड बन सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो उस कंडीशन में उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशन में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। इफेक्टिव कोलिजन हम उस कोलिजन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन के लिए इन दो पॉइंट का होना मस्ट है कि मॉलिक्यूल के पास रिएक्टेंट स्पीशी के पास जो कोलिजन कर रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सकें और न्यू बॉन्ड को बना सकें, और दूसरा पॉइंट उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और उस कोलिजन को ही हम इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। और अगर कोलिजन करते हैं रिएक्टेंट लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते तो उसको हम इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। और जिस वक्त रिएक्टेंट स्पीशी एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो उस कंडीशन में वो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और एक्टिवेटेड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल हैं उनका ओल्ड बॉन्ड पार्शली ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड पार्शली बनता है, और उस स्टेट पर उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद या तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं या फिर वो रिएक्टेंट स्पीशी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो NOCl रिएक्शन करता है NOCl के साथ। जिस वक्त NOCl NOCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है। अब इससे ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इससे ये इंडिकेशन होती है कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि इनकी कोलिजन जो है वो क्लोरीन वाली साइड से दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन वाली साइड से कोलिजन होगी तभी ये प्रॉपर कोलिजन कहलाएगी, अदरवाइज ये प्रॉपर कोलिजन नहीं होगी। अगर क्लोरीन इस मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करता है तो उसका मतलब है कि ये प्रॉपर कोलिजन नहीं है। अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कोलिजन शो करता है तो इसका मतलब है कि ये भी प्रॉपर कोलिजन नहीं है। अगर क्लोरीन इस सेकंड मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ टकराएगा तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है और तभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर इसके अलावा दूसरे एटम के साथ कोलिजन करेगा तो उस कंडीशन में जस्ट कोलिजन होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और उस कोलिजन को हम इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है। विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। कैटालिस्ट का ये काम होता है एक दरमियान में इंटरमीडिएट बनाता है और उस इंटरमीडिएट की वजह से रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ होता है, और उस इंटरमीडिएट की वजह से एक्टिवेटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन का ओजोन का रिएक्शन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, ये स्लो स्टेप है, और अगर हम इसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है।
और ये किस तरह फास्ट होता है, अगर इनिशियल रिएक्शन ओजोन का रिएक्शन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट हासिल होती है और ये इसके एनर्जी लेवल है। और अगर हम इसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कैटालिस्ट जो है इसमें इंटरमीडिएट साथ में बनाता है और उस इंटरमीडिएट की वजह से ये एनर्जी लेवल जो है वो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। इसका मतलब है कि इन रिएक्टेंट का इस बैरियर से पास आउट होना आसान है लेकिन इस बैरियर से गुजरना मुश्किल है। इसी वजह से कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देता है क्योंकि वो ये जो बैरियर हाइट है इसको डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से आसानी से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटालिस्ट में हम बैड लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग के ग्रुप की भी हम बात नहीं करते, सिर्फ कैटालिस्ट को ही देखते हैं। वो तो हमारे पास नेचर पर आता है, रिएक्टेंट की नेचर जो है उस पर आता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी में जो लिविंग ग्रुप है वो गुड है या बैड है, वो आप लोगों को रिएक्टेंट स्पीशी की नेचर में आएगा। यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट में बात करते हैं तो कंडीशन में सिर्फ कैटालिस्ट का अफेक्ट ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसके बाद होमोजेनियस और हेटरोजेनियस कैटालिस्ट की मैंने बता दी है और यहाँ पर एसिटाइलीन के साथ हाइड्रोजन की जो अटैचमेंट है वो हेटरोजेनियस कैटालिस्ट की एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो भी गैस फेज में होगी और इसके साथ एसिटाइलीन जो है या इथेन गैस जो है वो भी गैस फेज में होता है लेकिन कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में होता है। मोस्टली आप लोग जो कैटालिस्ट इसमें यूज करते हो वो निकल होता है और निकल जो है वो सॉलिड फेज में होता है और ऐसे कैटालिस्ट को हम हेटरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं और ये उसमें इसकी एग्जांपल दी हुई है। बाद में सेकंड जो स्लाइड है इसमें भी आप लोगों के पास डिफरेंट हेटरोजीनियस कैटालिस्ट की एग्जाम्पल दी हुई है। इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया। आप लोगों ने इसकी मजीद जो है यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके साथ आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया है और टाइम भी काफी ऊपर हो गया है। जी रमला सर, सेक्शन एन के लैब का पेपर कब है और टाइमिंग बता दें। वही जो आप लोगों की लैब की टाइमिंग है मंडे को 11 बजे। ओके, आप लोगों की लैब का फाइनल जो है वो मंडे को 11 बजे। एंड सर वी डोंट हैव टू सबमिट आवर मैनुअल्स राइट? Yeah, ma'am. Do we have to submit our lab manuals? Lab manual साथ में लेकर आने हैं final में। You're going to check the exercises at the back? चलें वो रहने दें। सर कुछ solve तो किया नहीं है manual पे। ठीक है, lab manual check नहीं होगा लेकिन आप लोगों की जो performance है वो चीज उसके लिए आप लोगों ने lab manual साथ में लेकर आना है। Thank you, sir. Most welcome. Sir, please do the final. Sir. Sorry. Sir. Maim Abu Zar. Maim, attendance ho rahi hai. No, yeah, I'm here. Mohsin Farooq. मोहम्मद अफजल। यस सर। मोहम्मद रिजवान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर। यस सर। सैयद अहमद रजा। सर फाइनेंस का
सिलेबस क्या होगा फाइनल एग्जाम का? फाइनल का सारा ही जितना हमने पढ़ा है, और उसके डिवीजन जो है वो ये है कि मिड से पहले वाले कोर्स का 30% और 70% मिड से बाद वाले कोर्स का है। ये क्योंकि मेल आई हुई है आप लोगों के मार्क्स के डिवीजन की, जिसमें दिया हुआ है कि आप लोगों के जो है 30% जो है वो मिड से पहले वाला कोर्स होगा और 70% जो है वो मिड से बाद वाला कोर्स होगा। ठीक है जी सर। सर वो जो हमारे मार्क्स मिसिंग थे किसी के असाइनमेंट और क्विज़ के, वो भी तक नहीं लगे? असाइनमेंट और क्विज के मार्क्स अपलोड हो जो सर हमने अमाइम को नाम अपने रोल जिन्होंने सबमिट करवाए थे उनके नंबर आप लोगों के अपलोड हो गए हैं, और असाइनमेंट नंबर 5 भी आप लोगों की अपलोड हो गई है। सर ने कुछ सर मैंने मिसिंग थे, आपने कहा था कि अमाइम को लिखवा दें, हमने रोल नंबर आईडी सब कुछ वो दोबारा से लिस्ट चेक की है, और चेक करने के बाद वो वाले स्टूडेंट जिनके रिसीव हुई है चाहे मेल के जरिए चाहे एलएमएस पर और टाइम पर, उनके नंबर लग गए हैं। यस सर, मैंने चेक किया, मैंने उनके नंबर की नेगेटिव मार्किंग हुई है, और जिन्होंने कॉपी पेस्ट की है जिस तरह सेम स्टूडेंट ने सेम ही असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है उनके 0-0 मार्क्स लगे हैं। सर मैंने चेक किया, मेरे ना सर टाइम से पहले है, लेकिन सर मेरा सेशन और में लगा वो, मतलब मैंने अपलोड कर दिया था उस दिन, तो शायद इस वजह से मेरे सर अभी नहीं लगी। ये देखें ना, मैंने आप लोगों को बार बार बताया भी है ये सेशन है और इसमें आप लोगों ने अपलाई सर वो पहला क्विज था, पहला क्विज था उस दिन, बड़ी सबको मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर, अभी आपने वो सेशन बनाया नहीं था और हम मतलब हमने स्टार्ट कर दिया। शो हो रहा है? यस सर हो रहा है, और टाइम से पहले है। किस उसमें है सेशन? सर आपने जो क्विज 1 ना सेशन 4 में बाद में फोल्डर बनाया था, मतलब हम क्विज कर रहे थे और मैंने सेशन 5 असाइनमेंट में कर दिया है सर, उसकी जो जो मतलब डेज है ना वो लेट शो हो रहे हैं, लेकिन टाइम से पहले जो टाइम मॉडिफाइड होता है ना वो पहले शो हो रहा है, मतलब टाइम से पहले मैंने अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा तो किसी कोई वो नहीं है? यस सर क्या कह रहे हैं? चले रमदा आपने यूनिवर्सिटी कब चक्कर लगाना है? सर मंडे को चलें, उस वक्त आपने ये कंफर्म कर लेना है। ठीक है सर, आप सर मैं किस टाइम अवेलेबल होंगे? मैं मंडे, मैंने तो आप लोगों को फाइनल लेना लैब का, तो सर मैं हम आपके सेक्शन के नहीं है। 11 से 1 या 1:30 बजे तक तो लैब होगी, और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 9:15 बजे तक क्लास है, उसके दरमियान जब मर्जी आप आ सकते हैं। यस सर ठीक है जी। ओके सर थैंक यू। सर मैंने भी अपनी असाइनमेंट्स आपको मेल की हुई है दोनों, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको कल या पता नहीं परसों शायद सेंड किया है, और टाइम से पहले ही सबमिट हुई है मेरी। टाइम से पहले ही सबमिट हुई है? जी सर। अगर हुई है तो फिर नंबर लग जाएंगे, अदरवाइज मैं देख लेता हूँ आपके जो। ओके सर यही है सर, मेरी भी स्क्रीन सेंड की है। जी सर आपने जो शेयर की है स्क्रीन कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दी है? नो नो सर, ये वाली नहीं, जो मेरी एक फर्स्ट वाली असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे हुए, और एक थर्ड वाली। मुझे नहीं पता, आपने जो स्क्रीन की तस्वीर भेजी है वो आपके सामने मैंने ओपन की है, एक मिनट में आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। शो नहीं हो रहा? नहीं शो हो रही। अब शो हो रही है? जी सर। जी सर इसमें डेट जो है ये वाला जो है कंप्लीट, जिस वक्त मेल को ओपन करते हैं उसके ऊपर डेट भी आती है, टाइम भी आता है, सारा कुछ आता है, और उसके साथ नहीं सर, ये तो मैंने आपको सिर्फ मेरी बात सुन ले पहले मैं क्या कह रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाली मेल जिसमें जी ये जो जिस तरह मैं आपको मेल ओपन करके देता हूँ, ये मेल है आपकी, इसमें ये टाइमिंग आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है, और इतने दिन हो गए जिस वक्त आपने अपलोड की है। ठीक है हाँ जी। और इसके साथ आपका टॉपिक जो है जिसमें आपने जो असाइनमेंट जमा करवाई है, ये वाली सारी पिक्चर कंप्लीट होनी चाहिए,
वो आपने पिक्चर जो है मुझे सेंड कर दी। सर फिर मैं जब यूनिवर्सिटी चक्कर लगाऊंगी फिर तभी कर लेंगे। चलो उस वक्त कर लेना। ओके सर थैंक यू। चलें ठीक है आपका क्या है अफजल? सर मेरी भी असाइनमेंट नंबर 4 के नीन मार्क्स लगे क्योंकि मैंने एक दिन पहले सबमिट करवाई हुई है। एक दिन पहले क्या मतलब? मतलब कि सर 28 मई लास्ट डेट थी, मैंने 27 को ही करवा दी थी बट मेरे मार्क्स नहीं लगे हैं टोटल। 28 को आपने एलएमएस पे अपलोड जमा करवाई है 28 तारीख थी? 28 अभी देख लेते हैं। जी सर चेक कर लें आप। ये किस सेशन में थी? ये थी सर असाइनमेंट नंबर 4 है ना? 12 असाइनमेंट नंबर 4 है। जी सर। मोहम्मद अफजल जी आपके सबमिटेड है सर बट मार्क्स नहीं लगे हैं पोर्टल पे 4 के। जी सर मैं देख लेता हूँ, ये ना हो कि आपके कोई इस वजह से लगा हो कि आपने जमा या कॉपी पेस्ट की हुई है, किसी की कॉपी पेस्ट करके से सबमिट करवाई है। सर चेक कर लें। इसकी लास्ट डेट क्या थी? सही 28 और 28 को ही आपने सबमिट करवाई है। अब जान इस तरह करना आपने चक्कर लगाना है नहीं नसीब? सर आई थिंक आज ही आ जाऊंगा क्योंकि मैंने इंग्लिश की असाइनमेंट सबमिट करवानी है मैम को। एक मिनट अब सर असाइनमेंट आपकी चेक नहीं हुई है और सर मेरे आज इस वक्त आओगे उस वक्त मुझे याद दिलवा देना ठीक है आपसे। ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़।